मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुंबई में पहली बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है, वो भी तमाम धुरंधर कलाकारों के बीच में। ये बहुत ही अच्छी गायिका हैं साक्षी होलकर, इंडियन आइडल फेम, अभी लंदन में शो करके आई हैं फरहान अख्तर के साथ, बहुत ही शानदार गाती हैं। ये भी हमारे आज इस बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है नम्रता श्रीवास्तव जो हमारे मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश की इकलौती ऐसी शानदार सुंदर प्यारी सी मधुर सी आवाज़ है इनकी कि अब ये मुंबई में है और पहली बार मेरे मुंबई के बर्थडे सेलिब्रेशन में ये शामिल हुई है, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुश हूँ। मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ और प्रकाश जी भी मध्य प्रदेश से हैं और इन्होंने अपना बहुत ही वहाँ पे भी बहुत नाम रोशन किया है और मैं चाहती हूँ उसी तरह यहाँ भी अपना नाम रोशन करते रहें और नाम रोशन कर रहे हैं। आगे भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि और खूब तरक्की करें। ऑफकोर्स सबसे पहले तो मैं विश करना चाहूँगी हैप्पीएस्ट बर्थडे टू प्रकाश जी और ऑफकोर्स ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग और हम सभी को बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके, बहुत इन्जॉय किया हमने स्पेशली और बहुत ही कलरफुल आज का दिन रहा क्योंकि हर तरह के रंग देखने को मिले स्टेज पर भी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज और हाँ, ये हमारे दोस्तों ने कहा कुछ एक सिलसिला शुरू करते हैं कि जन्मदिन के अवसर पर कुछ एक अलग काम करते हैं, तो मैंने मधुर फिल्म्स के तमाम उन कलाकारों को सम्मानित किया है जो डिजर्वेट हैं, जो डिजर्व करते हैं, जैसे ये सिंगर में ये और नम्रता, साक्षी और प्रिया है, पूनम है, तमाम लोगों को मैंने सम्मानित किया है। मतलब ये लोग आपके फिल्म प्रोडक्शन जुड़े हैं इसलिए आपने सम्मानित किया है कि इनके अंदर कोई हुनर? नहीं नहीं, हुनर हमारे ग्रुप में जुड़े हमारे फिल्म प्रोडक्शन में है वो एक अलग मैटर है, लेकिन इनके अंदर वो हुनर है, मैंने पहले ही कहा डिजर्व करते हैं ये, इसीलिए तो हमने इनको सम्मानित किया है। और तमाम लोग हमारे यहाँ आए, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, जो नहीं आ पाए उन्होंने फ़ोन पर शुभकामनाएं भेजी हैं, जैसे अनूप जलोटा जी हमारे गुरु जी, उन्होंने फ़ोन पर शुभकामनाएं भेजी हैं, उदित नारायण जी और अली खान जी, अर्जुन फिरोज खान, आते आते रास्ते में उनको वापस जाना पड़ा, कुछ प्रॉब्लम हो गई कि मैंने पहली बार इतना नहीं, मुंबई में पहली बार मनाया है, इसके पहले मध्य प्रदेश में मेरा बर्थडे बहुत बड़े स्तर पे मनाया जाता रहा है, जहां हमारे शंकर सिंह परिहार और सीधी के तमाम लोग मिलकर बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज करते थे, पूरे स्टेडियम में बड़े स्तर पे मनाया जाता था, पूरे मध्य प्रदेश के कलाकार वहां पर चुनिंदा कलाकार पहुंचकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, मुझे बहुत खुशी होती थी। हाँ, मुंबई में मुझे लगता था कि मेरा बर्थडे किस तरह से हो पाएगा, जब लोगों ने कहा तो मुझे लगा ये परदेश है, यहाँ कौन मेरा है, कहते हैं किसी को समय नहीं रहता है, कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जब यहाँ आया और सभी लोग मेरे बर्थडे में शामिल हुए, बहुत अच्छे से हुआ, तो मुझे लगा परदेश में मिला कोई अपना, परदेश में मेरे सब अपने मिलने लगे हैं धीरे धीरे और कारवा इसी तरह बढ़ता चल रहा है। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, कुछ सैड सॉन्ग के वीडियो एल्बम हम लोग करने वाले हैं, कुछ फिल्में हैं हमारी, हिंदी फिल्म भी है, भोजपुरी फिल्म भी है, जैसा कि सुधीर तिवारी ने कहा मुझे लॉन्च कर रहे हैं जनवरी में, और एल्बम म्यूजिक एल्बम हमारे होते ही रहते हैं। आप सिंगर हैं, अगर गाना हो जाए, आप अगर विश करेंगे तो पता चलेगा कौन सा गाना गाएंगे, साथ में दोनों गाने। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो साथ है हमारे तमाम कलाकारों के साथ, पूरी इंडस्ट्री के साथ, उनका साथ हमारे साथ रहे, हमारा उनके साथ रहे, बस यही है और कुछ नहीं है, इसी में जीना है। मैं LLB हूँ लेकिन जो संगीत और कला में मुझे मज़ा आता है वो कहीं मज़ा नहीं आया, इसलिए सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ इंडस्ट्री में और आप सभी का प्यार मिल रहा है, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे प्यार करते हैं, मीडिया के तमाम लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और आज मेरे बर्थडे में आप शामिल हुए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सोचा था हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। सब लोगों को कहना है आगे वाली लाइन सभी लोग बोलेंगे क्या? हाँ तुम बिल्कुल जैसा मैंने
डॉक्टर नितेश तिवारी, और बहुत अच्छा लगा मुझे आज मुझे ये जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उन्होंने प्रकाश तिवारी जी मधुर सम्मान दिया है, तो ऐसे ही मतलब बहुत बड़ा दिल है उनका और बहुत अच्छा गाते हैं, और उनकी आने वाली जो फिल्में हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ बहुत अच्छा मूवी बने, और मैं उसको बेस्ट उनको बेस्ट विशेस देता हूँ एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू जी उनके लिए जी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी कामना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मिस्टर राकेश, हैप्पी बर्थडे टू यू प्रकाश जी, हैप्पी बर्थडे टू यू मिस्टर प्रकाश जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कल्याण जी जाना गरीबों का एक्टर एक ब्रांड एम्बेसडर बन गया है, और वो एम्बेसडर बनाया है हाजी साहब ने, जो बीजेपी के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं और सुलझे हुए व्यक्ति, और उन्होंने गरीब ऐसी ब्रांड की जिनकी तरफ सोच भी नहीं सकता कि ये मैं खरीद पाऊँगा, और उसको उन्होंने उसकी आमदनी के हिसाब से उसके करीब पहुंचा दिया है ताकि वो खरीद सके, और इन्होंने एक ऐसी शर्ट बनाई है जो गरीब को भी ब्रांडेड है लेकिन उस अमाउंट में इन्होंने अपना प्रॉफिट छोड़ दिया है, और शू बनाया है जिसका नाम एके रखा है, ए अंकिता के कल्याण जी अंकल, क्योंकि ये हमारे अंकल हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज डबल खुशी, कल्याण जाना का एक ब्रांड लॉन्च हुआ और एक प्रकाश तिवारी जी का बर्थडे, तो क्या कहेंगे जी? प्रकाश तिवारी जी के बर्थडे पे मैं प्रकाश तिवारी जी को हार्दिक शुभकामना बोलता हूँ, उनको उनके बर्थडे की बधाई देता हूँ, और जो ऐसा भी कहा हमारे बड़े सीनियर यहाँ खड़े हैं पत्रकार, इन्होंने कहा जो, तो बहुत अच्छा लगा कि कल्याण जी जाना जैसे बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा एक्टर है, और हम चाहते हैं उसको कि लोग सलमान शाहरुख को तो लोग जानते हैं पर कल्याण जी जाना को भी लोग जाने, ये सोचकर और अच्छी एक ब्रांड को लेकर कि अच्छी एक ब्रांड बनाई जाए, अच्छी एक टी शर्ट एक पैंट बनाई जाए जो गरीबों के कॉस्ट में आए, जो आप देखते हैं 2500-3000 में जींस मिलती है वो कल्याण जी जाना के नाम की लिखी हुई 699 रुपये में सिर्फ मिले करेगी, और ऐसा टी शर्ट हमने बनाया है जो आप जिसकी कॉस्ट 600-700 रुपये होता है मार्केट में, हमने वो 299 रुपये रखा है ओनली फॉर कल्याण जी जाना के लिए, और आप मीडिया वालों के लिए भी एक खुशी की खबर ये है कि जितने भी मीडिया वाले कल्याण जी जाना को जानते हैं सबको एक पैंट और शर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा हमारी कंपनी की ओर से। सर कल्याण जी जाना ही क्यों? कल्याण जी जाना इसलिए कि वो एक बेसिक, मैं भी एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, एक बेसिक लेवल से काम करता स्ट्रगल करता आया हूँ, मैं 13 साल की उम्र से बिजनेस करता आ रहा हूँ, आज मेरी 44 है, और मैंने ये से देखा और जाना और सोचा है कि जो गरीबों के लिए, क्योंकि मैं खुद गरीब हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो गरीबों के लिए, गरीब का भी दिल है, गरीब भी चाहता है कुछ अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा ओढ़ना, तो हमारे कल्याण जी जाना जो गरीबों के एक्टर कहलाते हैं उनका ये निक नेम है गरीबों का एक्टर, क्योंकि वो भी बेसिकली बहुत ज़्यादा गरीब, बहुत नीचे स्तर से आया है, और बम्बई जैसी जगह में उसने आके अपनी जो भी जगह बनाई है वो बहुत बड़ी बात है, तो मैं उसको सलूट करता हूँ कल्याण जी जाना को, और इसीलिए मैंने उसके नाम का ब्रांड बनाया है कि कल्याण जी जाना, हमारी शुभकामना उनको का कल्याण जाना भी एक एम्बेसडर बने, एक बड़े आदमी बने और गरीबों के लिए काम करें बड़े आदमी बनकर, क्योंकि कुरान में आपसे कहना चाहूँगा मैं मुसलमान होके, कुरान में एक जगह कहा गया कि तुम्हें पैसा इसलिए दिया गया है कि तुम गरीबों पर खर्च करो, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आयत है कुरान के अंदर, उसमें कहा गया कि तुम्हें पैसा इसलिए दिया है कि तुम गरीबों पर खर्च करो, यानी ऊपर वाला भगवान भी चाहता है जो तुम्हें दिया है वो गरीबों पर खर्च करो, तो मैं ये चाहता हूँ कि कल्याण जी जाना एक बड़े एक्टर बने, एक बड़े अदाकार बने और वो खूब पैसा कमाए और लोगों पर, गरीबों पर, उन गरीबों पर खर्च करें, ऐसे भी हमारे देश में आज भी गरीब हैं, हम चला रहे गरीबी दूर हो गए, गरीबी दूर हो गए, कुछ गरीबी दूर नहीं है, आज भी गरीबी ऐसी है कि लोग भूखे सोते हैं, और बड़ा अफसोस है कि ऊपर वाले ने वादा किया है, यानी अल्लाह ने जिसने ये दुनिया को बनाया है उस भगवान ने ये भूखा ना सोए, और बड़े अफसोस की बात है जो अपने घर में सोते हैं बड़े आराम से मुर्गा चिकन सब खा के मुस्समीद, और वो नीचे जो स्टेशन ऊपर
मेरा नाम साबिर अली कुरैशी है, मैं भाजपा के नहीं है बीजेपी समर्थक मोर्चा चलाता हूँ, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और 18 स्टेटों में चलाता हूँ। मेरे साथ सारे जुड़े लोग वही हैं जो बेसिक लेवल पर हैं, मैंने किसी वीआईपी आदमी को नहीं जोड़ा उसके अंदर, सब गरीबों को जोड़ा है और ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि आज भाजपा की जो आपने थोड़ी बहुत हार देखी है ये इसी वजह से है। हमारे महोदय ने भी कहा, हमारे बड़ों ने भी कहा और हम भी देख रहे हैं, क्योंकि मैं 20 साल से नेतागिरी और सोशल एक्टिविटीज कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि जब हम जमीन से छूट जाएंगे, जब हम जमीन से छूट जाएंगे तब हम जीत नहीं पाएंगे। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है और ये मानना एकदम फैक्ट है, और मैं 4-5 दिन में मोदी जी से साहब से मिलने वाला हूँ और बिल्कुल इस बात को रखूँगा। और एक टॉपिक मैंने देखा है यहाँ, जो हॉकर लोगों को जो सड़क पे धंधा लगाते हैं उनको जो प्रॉब्लम आया है दिल्ली से लेके बॉम्बे तक, जो मेरा सफ़र रहा है इसमें मैंने देखा है कि लोगों को जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए भी एक हल निकाला है। हमने एक बहुत मोटी सी एक सर्वे करके फाइल बनाई है, मैंने नहीं बीजेपी समर्थक मोर्चा ने, जो उत्तर प्रदेश से लेके मिजोरम तक है 18 स्टेटों में। तो मैंने एक फाइल बनाई है कि उन लोगों को कोई रजिस्ट्रेशन जगह करके दी जाए और उनको एक लिमिटेशन दिया जाए कि जी आप 5 फीट में रहेंगे, 3 फीट में रहेंगे, वो उसके हद के अंदर। उन लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो उनको जगह दी जाए उस जगह के अंदर ही अपनी दुकान लगाएं, बाकी आगे ना फैलाएं, क्योंकि वो भी एक गरीब है जिसको जगह की ज़रूरत है, और वो भी एक गरीब है जिसको चलने की ज़रूरत है। कोई अमीर आदमी नहीं चलता उस रोड पर, एक गरीब ही आदमी जाता है जो सर्विस टाइम में अपना ड्यूटी जाता है और भागता होता है वो बॉम्बे जैसी फास्ट जगह में। तो यही मेरा कहना था पार्टी को लेकर, और आप लोगों को नहीं है ये तोहफा, हमने इसीलिए रखा है कि आप जीन्स और टी शर्ट पहने और कल्याण जी जाना का मशहूर करें, ताकि कल्याण जी जाना। आपने कहा कि गरीबों की जो है मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस पार्टी जुड़े हैं पूरी पूरे पूरे इंडिया के अंदर ये पार्टी जो है वो गरीब एंटिक पार्टी कही जा रही है, अमीरों की पार्टी कही जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल जी ने ब्लेम लगाया है कि ये अमीरों की पार्टी है, यहाँ पे अंबानी अडानी जैसे लोग रहते हैं, ये गरीबों को ये मार रहे हैं, ये ओबीसी को दुष्कार रहे हैं। तो सर आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी सब मोर्चा संभाल रहे हैं, तो क्यों आखिर ऐसा कि आप एंटी गरीब नहीं है? देखिए मैं राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहूँ, उनकी तो बातें आप सब लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनकी बातें और उनका नाम भी मशहूर है, अगर छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा उनका नाम, इसीलिए क्योंकि उनको नॉलेज तो है नहीं पूरी। लेकिन सर वो जीत गए, 3 राज्यों से निकाल दिया जी, वो जीते हैं, वो हमारी पार्टी की गलतियाँ हैं जिस गलतियों को हम स्वीकार करते हैं, और वो गलतियों को हम साहब के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी मुलाकात होने वाली है और हम उनके सामने ये रखेंगे। वो गलतियाँ ये हैं कि बेसिक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जो हम जैसे हमें कोई बिल्कुल नहीं नहीं मोदी जी ने बिल्कुल नहीं छोड़ा है गरीबों को। मोदी जी ने गरीबों के लिए जितनी योजना आज तक बनाई है पिछले 60 साल में नहीं बनाई गई। और देखिए आपने जो कहा धीरू भाई अंबानी जी को अगर हम नहीं रखेंगे अपने साथ तो कारोबार बिजनेस कैसे पहुँचाएंगे गरीबों तक? एक उद्योगपति को नहीं रखेंगे तो कैसे पहुँचाएंगे उस तक? जाहिर बात है मोदी जी की कोई ऐसी बात बताइए कि जो गरीबों के लिए कुछ सेवा करी उन्होंने, पूरा जिंदगी भर किया इतनी सारी। देखिए पहले तो मोदी जी खुद एक बेसिकली गरीब आदमी थे, अब तो नहीं कहूँगा थे, और मगर उनका मन उनका कहना अभी तक है और वो सबको इस बारे में बोलते हैं। और यो योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए चलाई गई हैं, अल्पसंख्यक बैकवर्ड के लिए चलाई गई हैं, वो लोगों तक नहीं पहुँची हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारी पार्टी के लोगों की इसमें गलतियां हैं, इस गलतियों को सुधारेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर सुधारेंगे, और 2019 में इन गलतियों को सुधार के इंशाल्लाह हम फिर से आगे आएंगे। बात रही हार और जीत की, तो देखिए दो पक्ष लड़ते हैं, एक हारता जरूर एक जीतता है, तो इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। मैं राहुल गांधी जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, बीजेपी को आज हिंदुस्तान के लोग जो ओबीसी लोग हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम एंटी पार्टी भी कही जाती है और आप जुड़े हुए हैं, तो इसका क्या मतलब? मोहब्बत करते हैं बीजेपी? नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा है, लोग क्या कहते हैं वो लोगों के डिपेंड करता है, हर आदमी का अपना ओपिनियन है, वो क्या कहता है और उसका ओपिनियन है, वो कहता है जी ये खराब है, वो तो कहेगा जी अमरीका भी अच्छा नहीं है, हमारा हिंदुस्तान अच्छा है, पर हम हिंदुस्तान को देखते हैं जब सड़क पर चलते हैं कि कितना कचरा है,
तो ये हमारा। और दूसरी बात जितने भी अभियान मोदी जी ने चलाए हैं उसमें सिर्फ मोदी जी आके झाड़ू नहीं मारेंगे जो साफ होएगा, उसमें हमें भी करना है। हम पेप्सी पी के इधर फेंक देते हैं, बीडी पी के उधर फेंक देते हैं, तो ये हमारा खुद का भी काम है, हमारा खुद का भी काम है। अभी तो फिल्म शुरू हुआ है। नहीं नहीं, वो आपको गलतफहमी है। नहीं नहीं, देखिए हार और जीत, मैंने क्या कहा जी, हार और जीत अलग चीज रही, पर हम लोगों के दिल में छाए हुए थे, छाए हैं और छाए रहेंगे। किसी ने अगर ये कहा तो वो मुसलमान के बारे में जो आप कहना चाहते हैं, आप छुप के कह रहे हैं, मैं खुल के नाम लेता हूँ, वो है ओवैसी साहब हैं। मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, इसलिए कि वो एक एमपी हैं, मगर उनकी जो बकबक करते हैं, उस बकबक पे मैं कहना चाहता हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो कुरान को अच्छे से पढ़ें। कुरान में हजारों जगह कहा गया तुम सब बनु आदम हो। बनु आदम का मतलब होता है अरबी में, हिंदी में अरबी उसका मतलब होता है तुम सब इंसान की औलाद हो, और एक 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 माँ बाप से पैदा हो। कुरान में बहुत जगह कहा एक माँ बाप से पैदा हो तो मेरा हिंदू भाई वो मेरा भाई हो जाता है। दूसरी बात, एक आयत और आपको बताता हूँ, कुरान की एक आयत है वल असर इन्नल इंसाना, इस वर्ड का मतलब होता है तुम सब इंसान नुकसान में हो। तो अल्लाह ताला सबसे कहना चाहता है, उसमें कोई मुसलमानों को या क्रिश्चियनों को या हिंदुओं को अलग नहीं करा गया, तुम सब नुकसान में हो जो मुझे नहीं मानते। व तबासो बिल हक व तबासो बिल सब्र, तो मैं उनसे कहूँगा वैसे हिसाब से कि अच्छे से पढ़िए। एक हिंदू भाई को गाली देते हैं वो मुसलमान नहीं होता जो एक हिंदू भाई को गाली देता, क्योंकि हिंदू भी हमारा भाई है। हमारे और उसके बीच ये फ़र्क है, वो ईमान नहीं लाए और हम ईमान लाए। तो मैं चाहता हूँ वो दाढ़ी और टोपी रखकर जो लोगों को भटका रहे हैं उनका रिकॉर्ड है, उनके पीछे उनका बाप दादा का रिकॉर्ड पढ़िए, आप लोग सर्च करिए, वो छोड़ के और भागने वाले हैं। सवाल, मुंबई के अंदर 2019 में आपका क्या करने वाला है अपनी पार्टी जिताने के लिए? मेरा मोर्चा अपनी पार्टी को जिताने की नहीं है, जगह जगह कैंप लगाएगा और अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी में लोग समझते हैं सिर्फ मुसलमान है, माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं आते, क्रिश्चियन भी आते हैं जिनका जिक्र नहीं करा जाता और अभी तक शायद किसी ने नहीं किया होगा। मैं अब्दुल अजीज अंसारी जो माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि उनको सीखना चाहिए और उनको करना चाहिए, पर वो नहीं करते। ये मोर्चा मैंने इसीलिए गठित किया है और हम वो अल्पसंख्यकों की जो योजनाएं हैं मोदी जी ने चलाई हैं वो पहुंचाएंगे वहां तक। जिसका सर क्या शुभकामनाएं देंगे बर्थडे प्रकाश तिवारी जी का, आज आप प्रकाश तिवारी को आज मैं मधुर को यही शुभकामनाएं दूंगा, वो अच्छे गाने इसकी रिकॉर्डिंग हो, फिल्मों में गाने गाए, बड़ा नाम करे, काम करे। हम दोस्तों की दुआएं हैं, ब्लेसिंग हैं और हम सब उसको अच्छा नाम अच्छा काम देंगे, बस ये दुआ है दिल से कि वो आगे बढ़े। आज दो दो खुशी, एक का आपके दोस्त का बर्थडे, दूसरा आपकी जो आज जीन्स लॉन्च हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? साबिर साहब ने आपको जो है ब्रांड बनाया और आज आपके मुकाम को छूले हुए तरीके से अलग ही मुकाम कहा जाएगा, कहाँ आपको जीन्स मिलेंगे जैसा वो बताइए। सबसे पहले साबिर भाई को मैं दिल से सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं खाली इतनी बोलता हूँ, साबिर भाई जो है ये मेरा भाई नहीं है, ये हर इंसान को हेल्प करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो करोड़पति हो, सबको हेल्प किए हैं। बेसिकली ये एक बिल्डर है और इनके पास कम से कम 150 आदमी काम करते हैं, लेकिन जहाँ पे पैसा उनको नहीं मिला है, मलाड ईस्ट में मैंने खुद देखा है, एक बड़े इंसान ने उनको पैसा नहीं दिया है, उनका पैसा अटका रखा है कम से कम 80 लाख रुपया, उन्होंने अपने वर्कर को अपने जेब से पैसा दिया है। तो ऐसे इंसान को मैं सलूट करता हूँ जो अपने घर से पैसा को उन्होंने अपने वर्कर को उन्होंने दिया है। तो कुरशी साहब जो है मेरा बड़ा भाई है, उन्होंने बोला कल्याण जी जाना आप गरीबों का एक्टर है और बहुत सालों से ये मुझे जानते हैं, तो बोलता कल्याण जी आपका नाम का मैं जीन्स और पैंट मैं मार्केट में लेके आएगा। लेकिन कल्याण जी अंकिता के साथ में जुड़े हैं, आपका वो नहीं बोल सकते। नहीं, अंकिता कल्याण आप अकेले नहीं, नहीं कल्याण जी जाना, अंकिता बांबुलकर और कल्याण जी जाना, एक एक का बूट मिलेगा आपको, बूट ये मतलब अंकिता के मतलब कल्याण जी, एक ही ब्रांड में बूट और कल्याण जी जाना गरीबों का एक्टर, इसके नाम से जीन्स और पैंट मिलेगा। अंकिता जी क्या कहेंगे? रुकिए मैं खत्म नहीं हुआ मेरा, कल्याण तो मतलब बड़ी जो है वो मिली आप भी इसमें, तो क्या है? नहीं मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली, इनके जितने भी लोग हैं यहाँ पे जानकारी वाले हैं सब
सबको खुशी हुई है। और पहली बात तो इन्होंने मुझे बोला था कि AK नाम का मैं ब्रांड बना रहा हूँ, एक मैं ब्रांड बनाऊँगा। बहुत पहले से मुझे से बोलते आ रहे थे कि हाँ मैं ऐसे ब्रांड बनाऊँगा, देखना मैं एक ब्रांड बनाऊँगा, तो सही में बना दिया। तो आई वॉज शॉक्ड और आई एम हैप्पी ऑल्सो। तो आज आप कहाँ अपने आप को देखते हैं कल्याण जी? अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं, खास करके आप उसमें पहले नंबर पे रहते हैं, तो आप क्या कहें? एक्चुअली आज मैं यहाँ पे हूँ, इन सब लोगों के बीच में हूँ, तो इनकी वजह यही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में, हाँ एक्टर और डांसर तो बनना चाहती थी बचपन से, बट इतनी जल्दी इतना मौका मिलेगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जितना भी आज मैं परफॉर्म करती हूँ, मुझे बोलने का स्टेज फियर था, इवन मुझे परफॉर्म करने का स्टेज फियर था, ये सब कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर लाया है वो है वन एंड ओनली कल्याण जी जाना। एंड ऑफकोर्स मेरी मम्मी जो हमेशा मेरे साथ में खड़ी रहती थी, हमेशा कहीं भी जाऊँ मैं ऑडिशन के लिए, कहीं भी जाऊँ मैं, कहीं परफॉर्मेंस हो, कहीं शो हो, कहीं शूटिंग हो, तो मेरी मॉम हमेशा अपना सब काम छोड़ के मेरे साथ रहती थी। और कल्याण जी सर है जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर भी बनूंगी, बनना तो बहुत कुछ चाहती थी और बनूंगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और थैंक यू सो मच। अब तो बॉम्बे में आपको जान गए, गरीबों के एक्टर आप मशहूर हो गए, बाहर भी लोग मैसेज करते हैं आपको। हाँ जी, विदेशों में। हाँ जी, इतनी पॉपुलरिटी का कुछ राज बताओ अपने कि कैसे ये सब हासिल किया। सबसे पहले मैं मीडिया ही है, जमीन से आसमान मीडिया, मैं चाहता हूँ मीडिया और मेरी मेहनत। मैं हैदर को मैं सैल्यूट करता हूँ, बॉलीवुड की बातें को, जो बॉलीवुड की बातें मुझे बहुत साथ दिया है, जब मेरा नाम नहीं था तभी भी उन्होंने साथ दिया है। तो मैं बॉलीवुड बातें, बॉलीवुड अड्डा, पुष्कर जी, इन सब जितने भी मीडिया वाले हैं, इन सभी को, मुंबई रफ्तार, इन सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ, जो उन लोग हर इवेंट में आके मेरा इंटरव्यू लेके जो चलाया। आज गूगल पे वर्ल्ड वाइड है, गूगल पे गरीबों का एक्टर, मेरा नाम डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम है कल्याण जी जाना, लेकिन गरीबों का एक्टर खाली एक ही है पूरी वर्ल्ड में, वो गरीब आदमी मैं हूँ। तो मेरे को एक गरीब इंसान को, गरीबों का एक्टर को ब्रांड बनाने के लिए एक इंसान ने, खुर्शीद जी ने थमा है, तो इनकी दुआ से मेरा एक ब्रांड आ रहा है मार्केट में, जिसका नाम है गरीबों का एक्टर कल्याण जी जाना जीन्स और टी शर्ट्स। आपको मिलेगा, आपने पूछा जो कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा ऑनलाइन, फेसबुक पे, गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, मैं जितना भी साइड है इन सब साइड में। एक शॉपिंग करने के लिए अगर आदमी है तो आपकी जीन्स और टी शर्ट ढूंढेगा तो इंस्टाग्राम पे तो मिलेगा नहीं, कोई देने के लिए कोई डिलीवर तो होगा? सब है पूरी हमारी, पूरी अभी शुरू हुआ है, आपको कॉल से आपको डिलीवरी आपको हो जाएंगे, सब नंबर है, फ़ोन करने के बाद आपको हो जाएंगे। मेरे सामने खड़े हैं नीतीश तिवारी जी, जो बहुत अच्छे म्यूजिक सिंगर है, म्यूजिक दिया है इंडस्ट्री में, जो मेरे गुरु है, गुरु की तरह उनको मैं मानता हूँ। एंड थैंक यू सो मच प्रकाश तिवारी जी, जिनकी बर्थडे था आज, जिनकी बर्थडे में मैं आया हूँ, हमें मौका दिया यहाँ पे ये इतना हमारा परफॉर्मेंस करने के लिए। और इस आज के दिन बहुत बड़ा दिन है, हमारा बैंड का जो इनोग्रेशन किया है वो है बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक एक्टर सिंगर दिलीप सेन के हाथों से हुआ है, और रमेश गोयल जी के हाथों से हुआ है, और तमाम यहाँ पे लोग हैं, विष्णु देवा जी, मेरे गुरु जी, प्रमोद सिंह जी जो हमारा सेलिब्रिटी मैनेजर है, प्रमोद सिंह जी, और सबसे पहले मैं बधाई मैं देता हूँ प्रकाश तिवारी जी को, और थैंक यू व्यंजन पार्टी हॉल, जो मुंबई का नंबर वन पार्टी हॉल है, उनका नाम है व्यंजन पार्टी हॉल, बहुत शुद्ध अच्छा खाना। और आपने पूछा था जो OVC, सर मैं खाली इतनी बोलता, मत करना सर, आप चलो रखना, मैं बोलना चाहता हूँ OVC के मास्टर, OVC एक गलिया कुत्ता है, OVC गलिया कुत्ता है, वो नेता नहीं है। अगर नेता होता तो हिंदू मुसलमान से ईसाई सबको लेके चलता। मुसलमान का मतलब होता है जो गाली नहीं देता है, मुसलमान का मतलब होता है जो सबको लेके वो चलता है, मुसलमान का ये मतलब होता है जिनकी जबान साफ है, जिनके हाथ में अच्छा काम करता है, उसको बोलते सच्चा मुसलमान। वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान के साथ में एक अलग है,
वो बेसिकली पाकिस्तान में जो घूमते रहता ना वो मुसलमान है। ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी और अपना असादुद्दीन, ये दोनों जो भाई है ना, ये हमारे गले कुत्ता है और इस कुत्ते को एक ही आदमी सही करेगा, वो है बॉम्बे का कल्याण जी जाना। ये कुछ नहीं है, कोई नेता नहीं है, मैं खाली इतना ही बोलता हूँ, बीजेपी का पार्टी का जो राजा है ना, राजा मोदी साहब, अगर वो चाहे ना एक सेकंड में उसको जेल भेज सकता है। वो कौन है ओवैसी, है कौन वो ओवैसी? हैदराबाद में कुत्ते की तरह चिल्लाते रहता है, वो है कौन? ओवैसी को खाली इतना ही बोलना चाहता हूँ, अगर है दम तेरे में डिबेट करना है, मैं गरीब आदमी हूँ, चार तक पढ़ा हूँ, तो बाहर पढ़ के आया है, डिबेट करना है तो मुंबई में आ जा, डिबेट कर तू मेरे साथ, अगर है दम तेरे अंदर। दोनों भाई है, दोनों भाई हमारे हिंदुस्तान का, बेसिकली वो पाकिस्तान का चमचा है, पाकिस्तान का चमचा है, वो नेता नहीं है। नेता वो होता है जो सबको लेके चलता है, मुसलमान वो होता है जो सबको लेके चलता है। मेरी एक फिल्म आ रहा है, फिल्म का नाम है आई लव यू द रियल लव स्टोरी यूपी, जिसमें मैं मुसलमान बना हूँ, एक हिंदू लड़का पहली बार मुसलमान बना है, एक हिंदू बना है, हमने ये दिखाया जो मुसलमान का मतलब क्या होता है, पांच टाइम जो नमाज पढ़ते हैं उस नमाज के बाद क्या करके नमाज पढ़ना चाहिए, वो हम दिखा है। जो भाईजान ने बोला है, पूरी कुरान पढ़ने के बाद तब मालूम पड़ता है हर एक लफ्ज़ क्या है कुरान के अंदर। तुमने एक लफ्ज़ पढ़ लिया, तुम बोले मैं मुसलमान हूँ, अरे मुसलमान वो होता है जो पूरा कुरान पढ़ते हैं, मुसलमान वो होता है जिनके अंदर ईमान होता है, मुसलमान वो होता है जो सबको लेके चलता है, मुसलमान वो होता है जिनके जवान पे गाली नहीं होता जी, मुसलमान वो होता है जिनके दिल साफ होता है, ईमान साफ होता है। तुम काय का मुसलमान हो ओबीसी? सलुखा पार्टी चलाते हो, इमाम पार्टी? तुम्हारा तो पार्टी का कोई रूप रेखा नहीं है। है रूपरेखा? उसका रूपरेखा तो हम लोगों ने दिया है, जनता ने दिया है। तो तुम्हारा औकात सिर्फ हैदराबाद तक है, तुम्हारा औकात सिर्फ वहाँ तक सीमित है। अगर है दम तो आ तू मुंबई में, तेरे साथ पंगा लेंगे कल्याण जाना, गरीबों का एक्टर। है दम ओबीसी वजर और अकबरुद्दीन ओबीसी वजर, ये जो भाई है ना मेरा, ये एक ऐसे इंसान है, या ऐसे मुसलमान है, जो ऐसे मुसलमान अगर सब बन जाए ना, तो किसी मुसलमान को ये नहीं बोलेगा जो हिंदुस्तान को चला जाए। क्यों जाए हिंदुस्तान से मुसलमान? जितना हिंदू का हक है उतना मुसलमान का हक है। मैं चाहता हूँ राम मंदिर नहीं बने, राम मंदिर के बाजू में एक मस्जिद बने। क्यों? दोनों साथ जाए, मंदिर भी जाए मस्जिद भी जाए। मैं चाहता हूँ वहाँ पे दोनों हो जाए, लफड़ा ना हो, दोनों भाई एक साथ चले। जहाँ पे बाबरा मस्जिद बेसिकली बहुत बड़ा वहाँ का हिस्सा है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर वहाँ पे राम मंदिर था उसके तोड़ के बाबरा मस्जिद बनाया गया था, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी की जो युवा पीढ़ी है 99% मुसलमान क्या कहते हैं, नहीं वहाँ पे मस्जिद था, नहीं वहाँ पे मंदिर था, राम मंदिर। मैं चाहता हूँ दोनों भाई एक साथ मिल के चले, इसीलिए उस जगह पे राम मंदिर भी हो और वहाँ पे बाबरा मस्जिद भी हो। मैं चाहता हूँ हिंदू मंदिर जाए मस्जिद जाए, और एक मुसलमान हिंदू जाए और मस्जिद जाए, ये एक पैगाम जाएगा पूरी वर्ल्ड में जो हिंदुस्तान में दोनों भाई एक साथ रहता है। और ये आरएसएस वालों को मैं इतना ही कहता हूँ, वो मेरा भाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ अयोध्या में राम मंदिर और बाबरा मस्जिद दोनों एक साथ होए, आधा में मंदिर और आधा में मस्जिद बने, दोनों भाई एक साथ वहाँ पर नमाज पढ़े, वहाँ पे पूजा पाठ करे, सब एक साथ हो, एक साथ रहे, एक साथ। अरे हम तो सबसे इंसान है, अगर हम मुसलमान हिंदू सिख ईसाई तो सबका मुंह ऐसा होता है, ऐसा। अगर हिंदू है तो हिंदू का मुंह ऐसा होता है, मुसलमान है तो नाक ऐसा होता है, अगर वो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का गाल ऐसा होता है, लेकिन सबका फेस ऐसा है। सिर्फ हमें यहाँ बनाया गया है, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू सिख ईसाई है, ये हमें बनाया गया। अरे हम तो है सिर्फ इंसान, इसलिए हम सब एक जैसा है, और खून भी एक है लाल, और सबका दिमाग भी एक है, लेकिन सिर्फ अलग अलग दिमाग इसलिए है क्योंकि दिल अलग है। तो मैं चाहता हूँ सोच अलग है, मैं चाहता हूँ सब मिल के रहे ये हिंदुस्तान में, जितना हिंदुओं का हक है उतना मुसलमान का हक होना चाहिए, उतना नारियों के भी हक होना चाहिए,
और मेरा जो आज जो भाई ने जो मार्केट में जींस और टी शर्ट का और बूट का, मैं चाहता हूँ आप लोग मीडिया के माध्यम से, बॉलीवुड की बातों के माध्यम से ये बूट ये टी शर्ट आप लोग लें, गरीबों का एक्ट कर जाना टी शर्ट का, ये ऑनलाइन मिलेगा अभी, इसका ऑफलाइन भी इसका प्रोसेस है, आपका बांद्रा, अंधेरी, जोगेश्वरी, बड़े बड़े बड़ी जगहों पे ये सारे नाम की शॉप खुलेंगी फैशन एक्सेसरीज के नाम से, जो हमारा ब्रांड है, और उसमें सारी टी शर्टें और जींसें कल्याणी जाना के नाम की मिलेंगी। अभी हमने जींस जेंट्स बनाया है, आगे इंशाल्लाह आने वाले साल में लेडीज भी रहेगा। रविंद्र अरोरा जी जो है हमारा गुरुजी, मैं भूल गया था, और बी आशीष जी जो हमारा कॉमेडियन है, कॉमेडी का बादशाह है, ये दोनों हमारा हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। रविंद्र अरोरा जी मेरे बाऊजी है, मेरी बाऊजी मेरे गांव में है, एक मेरे बाऊजी ये है, और बी आशीष मेरा बड़ा भाई है। और सर यहाँ घुमाइए, मैं खाली इतनी बोलता हूँ, आई लव यू बॉलीवुड की बातें, आई लव यू हमारे CG24 न्यूज चैनल, आई लव यू, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, मैं हूँ आप सभी गरीबों का एक्टर कल्याण जाना, भाई जींस और टी शर्ट और बूट बिल्कुल लेना, बिल्कुल लेना, आई लव यू। प्रकाश जी को शुभकामनाएं, तो मैंने एक अलग अंदाज में, क्योंकि वो सिंगर हैं, प्रकाश जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो मैंने सिंगर के हिसाब से मैंने सोचा कि हमारे हिंदुस्तान की कोयल जिन्हें हम कहते हैं लता मंगेशकर जी, लता दीदी जी, अगर लता दीदी जी अगर उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देती हमारे हिंदुस्तान की कोयल, अपने तरीके से, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से, जैसे कि कहते कि फूल को खुश मुबारक हो, सागर को पानी मुबारक हो, चांद को चांदनी मुबारक हो, उसी तरह से प्रकाश जी को उनका खूबसूरत सा जन्मदिन मुबारक हो। और एक प्यारा सा जोक आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ, एक गाना अभी मार्केट में बहुत चला, बहुत फेमस हुआ, आँख मारे वो लड़की, आँख मारे वो, आँख मारे वो लड़की, आँख मारे, लड़का इतना खुश हो गया, लड़का इतना खुश हो गया कि वो गाना चला, आँख मारे वो लड़की, आँख मारे, मैंने बोला बेटा लड़की आँख नहीं मार रही है, लड़की कहानी है। थैंक यू। भाई मैं उनको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ, और ख़ासकर यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमानों को, और उन्होंने मुझे बुलाया अपने जन्मदिन पर, इसके लिए मैं उनको हैप्पी बर्थडे विश करता हूँ, और आने वाले साल के लिए और अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।